अरे जा नहीं रहा है अंदर बे। क्या बात करो पता नहीं मेरे को। मेरे घर पे कुछ देर तक बात बात हो रहा है इससे तो थोड़ा पकड़ो यार, बहुत गर्मी है इधर। स्वेटर ज्यादा पहना नहीं जा रहा है। तनफे से मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली दो हफ्ता नहीं, लगभग एक महीना हो गया कि आई एम कंसिस्टेंटली वर्किंग आउट। सो आर देयर एनी विजिबल चेंजेस भाई? हाँ भाई, कुछ कुछ लग रहा है। ये ऐसे भी टाइट लग रहा है और वैसे भी फुला हुआ लग रहा है। अच्छा अच्छा, और बॉडी में कहीं पे? अब तो टी शर्ट पहन के हो, ये चेस्ट वाला है, ये दिखाना थोड़ा। ये रहा नहीं जाता हमको उठा। हाँ भाई, बहुत चेंजेस है। ये वाला देखो, ये लाइन पहले नहीं था आपका। सो चेंजेस आ रहा है। हाँ, तो मैं वर्कआउट नहीं करता था कंसिस्टेंटली, तो उसके बाद जब करता था नो आई फील रियली गुड। और तुमको बताया था मैं चक्कर आता था मेरे को? हाँ, पहले बताया था, बट धीरे धीरे करते 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 उस चक्कर में ही मैं करता था। मैं बोला था आपको कि चक्कर है और ज्यादा करना, तो उसके बाद ठीक हो गया। अभी अभी कुछ प्रॉब्लम है नहीं। हम दोनों मिलके एक बहुत मजेदार व्लॉग बनाया, व्लॉग नहीं, इट्स काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट हम लोगों ने बनाया है, लाइक हाउ आई मेट तनफिस। सो आप जिस किसी ने जाकर लिंक देखो, मजा आएगा आपको देखने में, बहुत मजा आएगा। एक्चुअली द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस फुटेज इज टोटली कोरप्टेड, रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं यहाँ पे बता रहा था कि जो शू जो तनवीज ने मुझे पहनने के लिए दिया था, ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल था, बहुत टाइट था। आई वॉज जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड देन तनवीज टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग टू गिव मी दिस शू फॉर माई एंटायर लाइफ, मतलब ही इज जस्ट गिफ्टिंग मी दिस। हाँ, बट ब्लेजर गिफ्ट नहीं कर रहा है, ये उसका ही ब्लेजर है। सो दैट इज व्हाट आई वॉज टॉकिंग। सो बात करते हैं कि आज एक्चुअली है क्या। सो मी एंड माई टीम इन माई बिजनेस हैव ऑर्गेनाइज्ड अ रियली गुड इनफ पार्टी, तो अभी वहीं पे ही जाएंगे। बट एज आई टोल्ड यू, शूज में थोड़ा दिक्कत है मेरे को, बट कोई नहीं, चला लेंगे। एंड वहाँ पे जाके प्रॉब्ली आई विल नॉट बी एबल टू शो यू मच ऑफ द इनसाइड्स गोइंग ऑन ओवर देयर बिकॉज शोर शराबा होता है, यू नो हाउ पार्टी हैपन्स। तो अभी मैं देख रहा हूँ कुछ हफ्तों से शायद पेट्रोल का प्राइस एकदम कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो जी फाइनली पहुंच गया मैं, जहां आने में लग जाता है एक्चुअली एक घंटा से थोड़ा ज़्यादा शायद, वहीं मेरा लग गया लगभग डेढ़ घंटे से भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा जाम था। बट अभी गाड़ी तो पार्क कर दिया है, बट अभी दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू चेंज। अरे ओह माय गॉड, अब ये चला के ड्राइव करना ना इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग, इसको पहनना भी इज अ फर्स्ट लेवल थिंग। अरे ये जा नहीं रहा है अंदर बे, थैंक गॉड मैं जूता लाया हूँ एक। अरे यार ये अंदर नहीं जा रहा है। अरे बाप रे, ओह फाइनली, थैंक गॉड इंसान के सिर्फ दो ही पैर होते हैं, नहीं तो खर्चा भी ज़्यादा होता, मेहनत भी ज़्यादा। Finally, I am ready to go. So, जो लोकेशन है जहाँ पे पार्टी हो रहा है, this is Salt Lake Sector 5, और यहाँ पे that's the place. So, पहले मैं कभी पार्टी वार्टी करता नहीं था, बट अभी थोड़ा बहुत चलता है। बहुत देर यहाँ पे रुका था, सभी निकलने का टाइम आ गया। रात हो जाने के बाद ना मैं कुछ ऐसे ऐसी गाड़ियाँ देखता हूँ ना, जैसे दिस वन इसके पीछे है एक्चुअली, इसे टू सीटर कन्वर्टेबल मर्सिडीज़ का ई क्लास पहली बार देखा, बड़ा मज़ा आया देख के, मतलब देखने में इतना मज़ा आता, चलाने में कितना हुआ। सो मेरे साथ एक्चुअली देयर विल बी समवन हुम आई नीड टू ड्रॉप एट एयरपोर्ट, एंड वहीं से मैं निकल जाऊँगा, सेम ही रूट है। बट मेरे को अभी ये जूता निकालना हुआ जल्दी जल्दी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। अभी मैं एक्चुअली नाना नानी के घर आया हूँ,
कुछ काम था इसलिए आया हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ कि कल रात को एक्चुअली कुछ हुआ है। लेट मी टेल यू। तो कल रात को एक्चुअली जब मैं वहाँ से निकला था, प्रोबेबली 11 बजने वाला था, 5-10 मिनट पहले निकल गया था मैं, और मुझे ये पता नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि कोलकाता में अभी भी कर्फ्यू या लॉकडाउन चल रहा है रात को 11 बजे के बाद से। अब मैं जिस रास्ते से वापस आता हूँ, देर आर टाइम्स कि मैं 11 बजे के बाद लौटा हूँ घर और कोई पुलिस नहीं पकड़ा है मेरे को कहीं पे लाइक इन द होल रूट, बट दैट डे एज आई टोल्ड यू समवन वाज देयर जिसको मुझे घर छोड़ना था, एंड दैट पर्सन सजेस्टेड मी टू टेक अ डिफरेंट रूट टू द सेम प्लेस। सॉल्ट लेक से एयरपोर्ट जाने का दो रास्ता है, एक मैं जाता हूँ न्यू टाउन होके और एक मैं जाता हूँ अपना लेक टाउन वाला रास्ते से। सो जो लोग कोलकाता से उनको पता होगा। नाउ आई ऑलवेज प्रेफर द न्यू टाउन वाला रास्ता, बट दिस पर्सन टोल्ड मी कि चलो वहाँ से जाते हैं, इट विल बी ईजियर। मैंने सोचा ठीक है यार चले जाते हैं, बोल रहा है जब। एंड व्हेन आई वाज अबाउट टू क्रॉस सॉल्ट लेक एंड रीच दैट फ्लाईओवर लेक टाउन जाने के लिए, वहाँ पे पकड़ा पुलिस, सबको पकड़ रहा था वहाँ पर, हर किसी को। एंड दैट टाइम इट वाज 11:06, मतलब 6 मिनट लेट था हम लोग, 6 मिनट, बस 6 मिनट के लिए। लाइसेंस निकालो, कहाँ जा रहे हो, किधर से आ रहे हो वगैरह, बहुत सवाल। उसके बाद लाइसेंस निकाला एंड देन वहीं पे स्पॉट फाइन हर किसी को, बट दे आर बिहेविंग इन अ गुड वे, नॉट लाइक कि एकदम बदतमीजी कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। बट 500 रुपये का फाइन वहीं पे चला गया, बहुत दिल को, मतलब यार 6 मिनट के लिए 500 रुपये, यू नो समटाइम्स वो टाइम इज़ मनी कहता है ना, मतलब उस टाइम पे लगा था यार। बट जो भी हो, अब खर्चा लिखा था किस्मत पे, हो गया खर्चा। सो दैट्स द होल पॉइंट। अभी यहाँ से शायद दोपहर को लंच करके घर जाएंगे, और दिसंबर का महीना है, लगता नहीं है कभी भी, बट धीरे धीरे ठंड धीरे धीरे आ रहा है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी है, अच्छा लगता है बट साफ नहीं है। जो भी हो, सो इंस्टाग्राम में फॉलो करना, बिकॉज मस्त चीज़ें वहीं पर आ रहे हैं। एंड आई ऑल्सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज एन अमेजिंग ट्रिप इज कमिंग वेरी सून। सो स्टे सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन हिट करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। एंड टिल द टाइम आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी। बाप रे, दिसंबर का महीना का जो धूप होता है ना, बड़ा मीठा होता है।